हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, फराज कुकिंग चैनल में आज हम कश्मीरी चाय या नून चाय की रेसिपी बनाएंगे। आसान सी रेसिपी है, चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। कश्मीरी चाय या नून चाय की जो रेसिपी है उसको बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे आप नोट कर लें। आसान सी रेसिपी है और इसको बनाते हुए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे उसमें ये सब्ज़ पत्ती, इसको आप 1 टेबल स्पून लें। ये ख़ास तौर पे कश्मीरी कहवा बनाने के लिए या कश्मीरी चाय बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। 1 टेबल स्पून कुटे हुए बादाम, आप पिस्ता भी ले सकते हैं, ये 3 टेबल स्पून। यहाँ मेरे पास 1 टेबल स्पून खसखास है, इसको मैंने थोड़ा सा कूट के भगो दिया गर्म पानी के अंदर ताकि ये फूल जाए। इसके अंदर जो साबुत स्पाइस जाएंगे, बादियान का फूल, एक छोटे साइज का ले लें या हाफ इस्तेमाल करें यानी स्टार अनीस, ग्रीन कार्डेमम या सब्ज़ इलायची 4 अदद लेके उसको भी इस तरह आप तोड़ लें, दालचीनी की स्टिक या सिनमन स्टिक एक लेके उसके भी पीसेस कर लें, साल्ट 1/2 टीस्पून क्योंकि हम नमकीन चाय बना रहे हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल करें। अगर आप मीठी चाय बनाना चाहते हैं यानी जो कश्मीरी चाय है उसको मीठा करना चाहते हैं तो फिर जो साल्ट है वो 1/4 टीस्पून इस्तेमाल करें और शुगर यानी चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल करें। और इसी तरह हमें 1/2 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग सोडा चाहिए होगा। पानी जो कहवा बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे पहले 2 कप और बाद में हम 2 कप इसको जो पानी को ठंडा इस्तेमाल करेंगे यानी बर्फ़ वाला पानी इस्तेमाल करेंगे। दूध हम 3 कप इस्तेमाल करेंगे। चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। पानी को उबाल आने लगे तो इसके अंदर ये पत्ती डाल दें। पानी के अंदर पत्ती डालने के बाद ये जो स्पाइस हैं ये भी डाल दें। अभी इसको 2 मिनट उबाल आने दें, इसके बाद हम मीठा सोडा डालेंगे। और दूध को उबालने के लिए रख दिया है, अब दूध के अंदर हम बादाम 1/2 डालेंगे और जो खसखास है वो डाल देंगे। दूध के अंदर खसखास डाल दी है और 1/2 बादाम इसके अंदर डाल दिए हैं। अब दूध को इतना उबाल देना है कि 3 कप दूध जो है वो 2 कप रह जाए। अब कहवे के अंदर बेकिंग सोडा डाल दें, साल्ट डाल दें। कहवे के अंदर साल्ट और बेकिंग सोडा डाल दिया है, अगर आप शुगर डालना चाहते हैं तो इस स्टेज पर डाल सकते हैं। दूध जो है वो करना शुरू हो गया है, कहवा करते हुए तकरीबन 1/2 कप रह गया है। अब इसके अंदर क्रश की हुई बर्फ़ और ठंडा पानी 2 कप डाल देंगे। अब इसको मज़ीद 2 मिनट फेंटे और इसके बाद ये कहवा तैयार हो जाएगा। अब जितना ज़रूरत होगा उतना कहवा हम इसके अंदर यानी चाय के अंदर डाल देंगे। तकरीबन सारा इसके अंदर मैंने कहवा इस्तेमाल कर लिया, पहले मैंने अंदाजे से डाला था मगर सारा मुझे इस्तेमाल करना पड़ा। देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, पहले कहवा जो है वो बनाना पड़ता है, मीठा सोडा डालें, जब आधा पानी रह जाए यानी जितना पानी हमने डाला था वो आधा रह जाए तो फिर उसके अंदर बर्फ़ वाला पानी डाल दें, फिर उसको इतना पकाएं कि वो भी जो है वो आधा रह जाए। और दूध को जैसे 3 कप हमने दूध इस्तेमाल किया था, 2 कप दूध रह गया था तो फिर हमने दूध के अंदर कहवा शामिल कर दिया तो ये बेहतरीन कलर आया। अब इसको करने दें। ऊपर बादाम डाल दें। कश्मीरी चाय की रेसिपी तैयार हो चुकी है, आप इसी तरीके से बनाएं आपकी भी बहुत अच्छी बनेगी। इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए फराज़ कुकिंग चैनल को ज़रूर विज़िट करें और इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।